शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज की पार्टी का थीम है मास्क पार्टी। सब अपने अपने पार्टनर के साथ डांस करेंगे। ये लाइट कैसे चली गई? आप लोग जाएं, वहीं रुकिए, हम फिर चेक करके आते हैं। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ ठीक है आ जाओ आ जाओ। गुलकंद, अरे भाई बर्थडे बॉय को तो बुलाओ। गुलकंद गुलकंद गुलकंद, अंजलि भी दिखाई नहीं दे रही है। गुलकंद, अंजलि अंजलि तुम कहाँ हो? अंजलि, गुलकंद, अंजलि, कहीं ऐसा तो नहीं कि अंजलि और गुलकंद मिलके हमें कोई सरप्राइज दे रहे हो? लेकिन वो दोनों जोकर भी गायब है। लेकिन चारों एक साथ गायब कैसे हो सकते हैं? यश बेटा, अंजलि को फोन लगा। जी पापा। अंजलि का तो फोन भी आई है, कहीं कुछ मामा जी, अंजलि और गुलकंद ऊपर है क्या? कोई भी नहीं है ऊपर। अंजलि, इतने घंटे बीत चुके हैं और अभी तक अंजलि और गुलकंद का कुछ पता ही नहीं चला है। मतलब है ना? सब जगह पूछ लिया और देख भी लिया और अंजलि और गुलकंद को किसी ने नहीं देखा है। यारी जी झूठ ना बुलवाए, मुझे तो लगता है अंजलि मेरे बेटे को लेकर भाग गई है। मैंने उससे तलाक के कागज पे साइन करवाया था ना, इसी का बदला ले रही है वो। कैसी बातें कर रही हैं आप मामी जी? अंजलि खुद जख्मी हालत में गायब है, लेकिन आप उस पे इल्जाम लगाने का मौका ही नहीं छोड़ रही। और वो गुलकंद को लेकर क्यों भागेगी? पता नहीं किस हालत में होंगे दोनों। मुझे लगता है हमें पुलिस को खबर करनी चाहिए। तो ठीक कह रहे हैं मुकेश, हम हाथ पर हाथ रखकर अनहोनी का इंतजार थोड़ी ना कर सकते। 24 घंटे से पहले पुलिस भी रिपोर्ट नहीं लिखेगी। हेलो गुलकंद, गुलकंद बेटा कहाँ हो तुम? मैं 70,000 के पास हूँ। एक अंकल ने मुझे अपने फोन से आपका नंबर लगा कर दिया है। गुलकंद बेटा, तुम और अंजलि ऐसे अचानक कहाँ गायब हो गए? जब लाइट गई तो जोगल से मुझे किडनैप कर लिया।
अंजलि दीदी ने मुझे तो चोकर से बचा कर वहां से भगा दिया, पर उन लोगों ने अंजलि दीदी को पकड़ लिया। प्लीज जल्दी आ जाओ प्लीज। गुलकंद सुनो मेरी बात, तुम जहाँ हो वहीं रहो, ठीक है? वहां की लोकेशन मुझे सेंड कर दो इसी नंबर पे। देखा, आप जिस लड़की पे इल्जाम लगा रही थी उसने अपनी जान पे खेलकर आपके बेटे को बचाया। पता नहीं कहां और किस साल में होगी अंजलि। ठीक है ना? हाँ? अंजलि दीदी को बताओ। अंजलि को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। तू बस रोना बंद कर। राधे राधे भैया, बच्चे का ख्याल रखे भैया। धन्यवाद। आ बेटा, रोते नहीं, हाँ? रोते नहीं है। चलो, चुप हो जाओ, चुप। बैठो। रोना बंद करो। रिचा, मामा मम्मी को कह दो कि गुलकंद मेरे साथ है, वो ठीक है, लेकिन मैं अब अंजलि को ढूंढने जा रहा हूं। पानी, पानी गुलकंद, तुम्हें याद है वो तुम दोनों को कहां लेकर गए थे? हाँ यश भैया, वो हमें विकास मार्केट से आगे की तरफ लेकर गए थे। गुलकंद का तो पता चल गया, अंजलि गायब है। लगता है देर से ही सही, पर ताऊ जी की बात सच होने वाली है। यश का कुंडली दोष अंजलि की जान लेकर ही रहेगा। ताई जी मुझे पानी पीना है। पानी पानी पीकर आती हूँ, आप पियेंगे? आ जाओ। अंजलि, अंजलि, अंजलि,
सीधा सीधा। अंजलि, अंजलि कहाँ ले गए ये लोग अंजलि को? कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कहाँ ढूंढू अंजलि को? अंजलि सीधा सीधा। गुलकंद, यहाँ से कहाँ जाना? मैं किस तरह से भागते हुए यहाँ तक पहुंचा था, मुझे याद नहीं आ रहा है। यशपिया गुलकंद, सोचने की कोशिश कर, कहाँ से भाग के आए थे? सॉरी, पता नहीं किस हाल में होगी अंजलि। आगे से राइट ले लेना यश भैया। अंजलि, 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 अंजलि तुम कहाँ हो? अंजलि!
इतनी रात में ऐसी सुनसान जगह पर किसी का ऐसे हेल्प के लिए पुकारने का क्या मतलब है? सचमुच कोई मुसीबत में है या ये किसी चोर लुटेरे की चाल है? बच्चा तो भाग गया, अब इस लड़की का क्या करें? ऑर्डर मिला है इसे बेहोश करके किसी अनजान जगह पर छोड़ दिया जाए ताकि हमारे लिए कोई मुसीबत ना खड़ी कर पाए। ठीक, चलो फिर। चलो भैया, आप अंजलि दीदी को बहुत पसंद करते हैं ना? आप टेंशन मत लो यश भैया, अंजलि दीदी हमेशा कहती है कि गोपाल जी बच्चों के बाद हमेशा जल्दी सुन लेते हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। प्लीज कुछ कीजिए जिससे अंजलि दीदी जल्दी से मिल जाए। आप अंजलि दीदी और यश भैया को कभी अलग मत करना, क्योंकि मुझे पता है यश भैया अंजलि दीदी से बहुत प्यार करते हैं। आप मना भी करेंगे तभी मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे पता है आप अंजलि दीदी से प्यार करते हो। गोनिला, ये खोला। चोर। चल। गर। चल देख कौन है, चल 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 जल्दी साइड पे लगा इसे। चल
फिर कौन है तू? ओए हीरो, जल्दी बता कौन है तू और यहाँ किस लिए आया है? ये क्या रहे बे? तेरी आंखों में छुपा हुआ था। चल बता लड़की कहाँ है? लड़की? कौन सी लड़की? लगता है नशा करके आया है तभी तुझे लड़की के ख्वाब आ रहे हैं। देख भाई, पहले मुझे भी लगा था कि शायद किसी ने मुझे लूटने के बहाने मदद मांगी, फिर मैं थोड़ा आगे गया, फिर मुझे लगा कि नहीं, उस लड़की की आवाज में दर्द था, और जब मैं यहां पर आया और तुम दोनों की आंखों में डर देखा तो सारा कंफ्यूजन दूर हो गया। क्या तुझे कोई लड़की दिखाई दे रही है क्या? उसे हाथ लगाने के हम कैसे कैसे एक अनोखे बंधन से बंधी अंजलि की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।